लक्ष्य, तू ही राह बन, तू रक्त का प्रवाह बन, तू चंडिका, तू कालिका, तू शक्ति मुंड बालिका, शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी, तू योग ध्यान चाह बन, तू रक्त का प्रवाह बन, तू गौरी सिद्धिदायिनी, प्रचंड शूल धारिणी, कात्यायनी महाबला शिवप्रिया, अतः बन तू रक्त का प्रवाह बन। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। ग्रहों का खेल कार्यक्रम के नवरात्रि स्पेशल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माँ दुर्गा के इस पावन पर्व के दौरान मात्र शक्ति के लिए कामकाज के दौरान कैसे करें माँ की पूजा। आज के दौर में माताएं बहनें बहुत व्यस्त हैं, कभी पति तो कभी परिवार, कभी अपना जीवन तो कभी प्रोफेशनल लाइफ। इस आपाधाबी भरे युग में हम कैसे एक्सप्रेस तरीके से माँ लक्ष्मी को, माँ दुर्गा को मना सकते हैं ताकि हमारे घर में भी हो सुख शांति और समृद्धि। एक स्त्री कभी भी पूर्ण रूप से अपने लिए नहीं जीती है, वह दूसरों के सुख में ही अपना सुख देखती है, अनुभव करती है। एक समय था जब पारंपरिक रूप से घर का काम महिलाओं के हिस्से आता था, क्योंकि तब महिलाएं घर में ही काम करती थी। लेकिन अब जबकि वे बाहर निकलकर काम करने लगी हैं, तब भी उनसे घर के सारे काम करने की उम्मीद रखी जाती है। घर का ख्याल रखना इनकी आदत है, और जब साथ में ऑफिस और जॉब करती हैं तब महिलाओं को घर और बाहर, बच्चों और ऑफिस, सास और बॉस के साथ, रिश्तेदारों के साथ सुर ताल और लय बिठाने में अच्छी खासी परेशानी हो जाती है। एक बार रोजमर्रा की लाइफ में हम संभल भी जाएं, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को कैसे संभालें? मेरे कहने का अर्थ है कि दो नाव में महिलाएं सवार होकर भी अपना धर्म और कर्म बड़ी ईमानदारी से निभाती हैं। लेकिन परेशानी कब आती है? जब कोई विशेष पूजा, व्रत, पर्व, त्योहार की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर आ जाती है। वैसे तो महिलाओं को बिना पूजा पाठ के अधूरा ही माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं भगवान में ज्यादा श्रद्धा और विश्वास रखती हैं, उनकी अपेक्षा ज्यादा भावनात्मक होती है। अपने आत्मबल और पॉजिटिव एटीट्यूड और सोच के साथ परिवार के सुख शांति और समृद्धि के लिए हर पल कर्मरत रहती है। ये इनका अधिकार है और इन त्योहारों को ये बड़े मन से निभाने का प्रयास भी करती हैं। परिवार के लिए महिलाएं क्या कुछ नहीं करती है, इसके बदले में आपके पास उनको देने के लिए बहुत अच्छा उपहार है। जी हाँ, और वो है उनका पूर्ण रूप से सम्मान। क्योंकि जहां स्त्री का आदर और सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। इसी श्रृंखला का ध्यान रखते हुए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे भागती दौड़ती बिलखती जिंदगी में आप अगर कामकाजी महिला हैं तो नवरात्र पूजा कैसे करें। आइए मैं आपको बताता हूं, माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हमने एक बेहतरीन प्रयास किया है आपकी जिंदगी कैसे सुख शांति और समृद्धिवान बन सके। इसके लिए एक छोटा सा प्रयास, एक्सप्रेस नवरात्रि पूजा। देखिए, घट स्थापना के बाद किसी भी दिन प्रातःकाल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर लाल वस्त्र धारण करें। अब पूर्व दिशा में एक बाजोट पर लाल वस्त्र बिछाकर उनके मध्य गेहूं की एक ढेरी बना दें। एक साफ और स्वच्छ थाली में अष्टगंध की सहायता से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। अब थाली पर मातंगी यंत्र स्थापित करें। यंत्र का कुमकुम, चंदन और अक्षत से तिलक कर लाल पुष्प की माला अर्पित करें। एक लोटे में स्वच्छ जल भरकर यंत्र के समीप रखें और बताशे का भोग लगाना नहीं भूलें, और फिर 5 कपूर की टिकिया जलाकर परिवार के सुख शांति और समृद्धि की कामना करें। रुद्राक्ष की माला से 3 बार जो मैं मंत्र बता रहा हूं उसका जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अपने परिवार के बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें, अपने गुरु को आशीर्वाद दें। बाकी 9 दिनों तक जब भी समय मिले इस मंत्र का जाप श्रद्धा के अनुसार करते रहें। निश्चित रूप से माँ दुर्गा हम सबको आशीर्वाद देगी और हमारी जिंदगी में भी पूर्णता रहेगी। याद रखिएगा, माँ की जो ममता है और माँ का आशीर्वाद अगर हमें मिल गया तो समझो जीवन का भवसागर हमने पार लगा दिया। इस कोरोना क्रांति में, कोरोना काल में नौ दुर्गा माँ के आशीर्वाद से हम संपन्न करने जा रहे हैं विशेष पूजन। प्रिय साथियों,
दस महाविद्याएं नाम सुना होगा आपने, उनकी विशेष साधनाएं हम करेंगे। 17 अक्टूबर से लेकर अगले 9 दिनों तक भारतीय समय के अनुसार शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में एक विशेष लाइव टेलीकास्ट होगा, जिसमें आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना गोत्र और एक मनोकामना ड्यूरिंग लाइव टेलीकास्ट हमें भेजेंगे। हमारे आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडित जी उस समय विशेष में आपके लिए विशेष मंत्रों से माँ दुर्गा को प्रसन्न करेंगे और मिलेगा आपको मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद। प्रिय साथियों, आप सभी स्वस्थ, मस्त और हर पल व्यस्त रहें, इस उम्मीद, विश्वास और प्रार्थना के साथ आप सभी से अब मैं विदा लेना चाहता हूं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रिय साथियों, आपके लिए एक मनोकामनादायक अवसर। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भेजिए अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना गोत्र। हम करेंगे 17 अक्टूबर से अगले 9 दिनों तक भारतीय समय से शाम 6 बजे से 9 बजे के बीच में YouTube और Facebook पर लाइव। आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडित जी करेंगे आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए वो मंत्र जो आपको सुख समृद्धिवान बना सकते हैं। 17 अक्टूबर से अगले 9 दिनों तक लाइव टेलीकास्ट से जरूर जुड़ें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देने के लिए माँ दुर्गा से आशीर्वाद चाहते हुए आप सभी से आज्ञा चाहता हूँ। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।